ये हमारी अंतिम कक्षा है स्तोपदेश ग्रंथ की। तो पिछले श्लोकों में जो भी हमने पढ़ा उसका सार रूप में आज मैं यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसी बीच में कुछ एक प्रश्न भी आए हैं, उसका भी समाधान यहाँ पर मैं देने की कोशिश करूँगा। एक तो यह प्रश्न आया कि स्तोपदेश जी ग्रंथ को किस अनुयोग के अंतर्गत रखा जाना चाहिए। तो इस विषय पे हालांकि मेरी किसी बड़े विद्वान से चर्चा अभी तक नहीं हुई है, ना ही इस विषय पे गौर किया गया, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि चरणानुयोग के अंतर्गत वे ही ग्रंथ आते हैं जिनमें चारित्र अर्थात कि व्रत या फिर महाव्रत और श्रावकों के मूल गुण आदि का वर्णन होता है। लेकिन स्तोपदेश जी ग्रंथ में स्टार्टिंग से ही निमित्त और उपादान को लेकर के और जीव तत्व को लेकर के चर्चा आगे बढ़ी है, और अंत में जाकर के हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से लगभग 10 श्लोकों से, पिछले 10 श्लोकों से ध्यान को केंद्रित बना करके, ध्यान को केंद्रित करके चर्चा हो रही है कि किस प्रकार से योगी बाहरी पदार्थों से दूर होकर के और अंतरंग में लीन होते हैं। तो इससे तो यही हमें नजर आता है कि इस ग्रंथ को हमें द्रव्यानुयोग के अंतर्गत लेना चाहिए। अब दूसरा प्रश्न ये है कि प्रश्न नहीं है, ये तो चर्चा है कि पिछले श्लोकों में जहाँ बार बार हम ये सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे थे कि जो विद्वान है, बुद्धिमान है, वो आत्मा की ओर अपना ध्यान आकर्षित करता है, पर वस्तुओं के जो संयोग हैं और उन संयोगों के कारण से जो कर्मों का बंध हो रहा था, उस कर्मों के बंधन को हम मोह और ममत्व बुद्धि को हटा करके और आत्मा में अपने ध्यान को केंद्रित करके उन कर्मों के आसरों को रोक सकते हैं और कर्मों के बंधन से छूट सकते हैं, और जो बंधे हुए पुराने कर्म हैं उनसे निर्जरा को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी बातें हमने पिछले श्लोकों में पढ़ी, और इस श्लोक में 47, 48, 49 और 50 इनको सार रूप में हम देखने जा रहे हैं कि जो 47वें नंबर के श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार बहिस्थिते, कि व्यवहार से बाहर स्थित होकर, ये शब्द बड़ा ही थोड़ा अजीब है सुनने में कि व्यवहार से बाहर का मतलब क्या। तो व्यवहार से बाहर का मतलब ये है कि जब जीव अपना जीवन जी रहा होता है तो उसी को वह मुख्य मान लेता है। खाना पीना, उठना बैठना, चलना, इसको हम मुख्य रूप में मान लेते हैं, और जो आत्म ध्यान है, आत्मलीनता है, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं होता है, क्योंकि हमारा 24 घंटे का जो ध्यान है वो बाहरी कार्यों पर होता है। तो यहाँ पर जो आचार्य श्री ने बात कही कि व्यवहार से बाहर होना, अर्थात बाहरी जगत में जो हमारा ध्यान था उससे दूर हो करके फिर आत्मा में स्थित होना, ये महत्वपूर्ण है यहाँ पर। तब जा करके जायते परमानंद, आनंद की स्थिति वह बनती है, और किसको बनती है? योगी को बनती है। योगी जो मन वचन काय की एकाग्रता के साथ में और आत्मा को केंद्रित करके, जीव द्रव्य को केंद्रित करके, उनके गुण और पर्यायों को केंद्रित करके लीन हुए हैं, ऐसे वह मुनिराज ही परमानंद को प्राप्त होते हैं। तो जो व्यवहार चारित्र है, चारित्र को दो प्रकार से बांटा गया है आगम में, निश्चय चारित्र और व्यवहार चारित्र। तो व्यवहार चारित्र को यदि हम मोटे मोटे शब्दों में कहें तो जो 28 मूल गुणों का पालन मुनिराज करते हैं वो व्यवहार चारित्र है। ठीक है, 5 व्रतों का पालन करना, 5 समितियों का पालन करना, 3 गुप्तियों का पालन करना, है ना, 6 उनके जो आवश्यक होते हैं, 7 तेज गुण होते हैं उनको पालन करना, ये सब क्या आता है, और भी परिसरों को सहन करना, जो ये सब क्या है, ये सब क्या व्यवहार चारित्र है, जिसे वो अपने जी जो उन का आयु है उसको व्यतीत करते हुए जो बाहरी चर्या है उसको निभाते हैं, ये तो व्यवहार चारित्र है।
लेकिन जब निश्चय चारित्र की बात आती है तो फिर आत्मा आत्मा में स्थित होकर के, आत्मा का ध्यान जब होता है, जब सामायिक में बैठ करके मुनिराज आत्मचिंतन करते हैं और शुद्धोपयोग की दशा को प्राप्त करते हैं, उस समय जो शुक्ल ध्यान की दशा आती है वह बनती है क्या? निश्चय चारित्र। उस समय बाहरी हर वस्तु से ध्यान छूट जाता है, कुछ ध्यान नहीं रहता है, तो वो होता है क्या? निश्चय चारित्र। इसके लिए आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज बहुत अच्छी बात कहते हैं कि यदि आनंद की लहर प्राप्त करना है तो साधना का परिश्रम करना बहुत जरूरी है। साधना बहुत महत्वपूर्ण है और साधना पुरुषार्थ के साथ होती है। कोई ये सोचे कि नहीं, हम तो बैठे बैठे अपने आप सब कुछ होता चला जाएगा, ऐसा नहीं है। ये बात भी थोड़ा सा चिंतन की है, सोचने की है और समझने की है। कई लोग इसको बा कहते हैं कि जो होना है वो होता चला जा रहा है, वो हमारे वश में नहीं है, और जो होना है जब होना है वो होगा रहेगा। तो ये इसके बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे कि जो होना है वो तो होगा ही, जैसे होना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या होना है। लेकिन हम फिर भी जिस प्रकार से अपने बाहरी जीवन के बारे में सोचते हैं कि हमें कमाना है, खाना है ना, हर काम सोच करके करते हैं, भले वो वैसे ही उस टाइम पे होना होगा तो हो जाएगा, लेकिन इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता कि ऐसा होना है कि नहीं होना है, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं उस बारे में। वैसे ही हमें मोक्ष मार्ग के बारे में भी सोचना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, तब जाकर के वो अभ्यास होता है और एक उस दशा को प्राप्त कर पाते हैं। और दूसरी जो बात आई थी कि आनंदो, अगले जो श्लोक में, आनंदो निर्धत युद्धम कर्मेंधन मनार्थम, जो ध्यान करने से जो आनंद उत्पन्न होता है, आनंद आता है, वह आनंद कर्म रूपी ईंधन को जला देता है। अब यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि आनंद जलाता है कर्मों को कि ध्यान जलाता है? देखिए, आगम की अपेक्षा से जो, अर्थात जो करणानि योग है उसकी अपेक्षा से यदि हम बात करें तो ध्यान है जो कर्म रूपी ईंधन को जलाता है, लेकिन यहाँ पर आचार्य श्री ने आनंद को बताया है कर्मों को जलाने वाला। तो यहाँ पर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से इसको इस तरह से समझाते हैं कि जैसे कि सर्दियों में बर्फ पड़ती है, ज्यादा ठंडी पड़ जाती है, तो जो पेड़ पौधे होते हैं, छोटे पौधे होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं, उनको जलना भी कहते हैं। और कई जगह तो ऐसा आता है कि बर्फ पड़ने पर, या पाला पड़ना बोलते हैं, बर्फ गिरना बोलते हैं, सारी फसल नष्ट हो जाती है। क्यों? शीतलता के कारण से। अब बताओ, शीतलता से बर्फ से पौधे जल रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, मतलब क्या है कि अधिक शीतलता भी जो वस्तु है उसको नष्ट कर रही है। वैसे ही आचार्य श्री यहाँ पर कहते हैं कि जो आनंद है वह भी अत्यधिक शीतलता का कार्य करती है और वह शीतलता कर्म रूपी ईंधन को नष्ट कर देती है। एक तो ये है, और दूसरी बात यहाँ पर ये आता है कि जो नीचे की लाइन कही थी कि ना चाशव खिद्यते योगी, जो योगी हैं वो खेद नहीं करते हैं ध्यान की अवस्था में और बाहरी दुखों से अचेतन हो जाते हैं। तो इसको भी हमने समझाने का प्रयास किया था कि बाहरी दुख से अचेतन क्यों हो जाते हैं, तो मैं फिर से इसको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा कि कई बार आपने देखा होगा, आप तो अपने व्यवहारिक जीवन में इसको बिल्कुल प्रैक्टिकल करके देखिए कि जब हम कभी सो जाते हैं, गहरी नींद में सो जाते हैं, तो बाहर ढोल बजते रहें, शोर होता रहे, यहाँ तक कि कोई हमें उठा करके दूसरी जगह पर रख दे, तब भी हमें पता नहीं चलता कि हमारे साथ क्या हुआ। अच्छा, वो क्या था फिर? वो यही था कि नींद की अवस्था में हम अपने दिमाग से, अपने चिंतवन से, अपनी चेतना के माध्यम से किसी दूसरे वस्तु पर
जिसे हम स्वप्न कहेंगे, उस स्वप्न में हम किसी दूसरी वस्तु पर टिक चुके थे, स्थिर हो चुके थे और इतने एकाग्र हो चुके थे उस स्वप्न में कि हम इस दुनिया का जो शोर शराबा है, जो शरीर का स्पर्श है किसी का, वो अनुभव नहीं कर रहे हैं। हम ध्यान की अवस्था की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उदाहरण हम तो अपने लौकिक जीवन का दे रहे हैं कि लौकिक जीवन में भी जब कोई निद्रा की अवस्था में पहुंच जाता है तो यहाँ तो उसको बेहोश भी नहीं किया, अभी वो बेहोश भी नहीं है, इसके बावजूद भी उसे कोई थप्पड़ ही मार दे उसे पता नहीं चलता है, कोई उसे उठा के कहीं बाहर रख दे भी तो भी उसे पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे ही नींद टूटती है तब पता चलता है कि अरे क्या हो गया। उस व्यक्ति को यदि कोई जोर से मार भी दे, कोई शस्त्र से घात भी कर देगा ना, तो भी उसे पता नहीं चलेगा जब तक कि उसकी नींद नहीं टूटेगी। तो यही आप ऐसे ही प्रैक्टिकल कर सकते हैं। कई लोगों को ऐसा विश्वास नहीं होता है कि सिगड़ी सिर पर रखी गजकुमार मुनि की उनको दर्द कैसे नहीं होता है, शेरनी खा रही है शरीर को, मुनिराज को दर्द क्यों नहीं होता है। अरे भाई आप देखो ना कि नींद में जब वो इतनी गहरी नींद में सो रहा है कोई व्यक्ति, तो उसको कोई मारता है तो उसे दर्द क्यों नहीं होता है। तो जब यहां हो सकता है तो वही तो कंडीशन वहां होती है कि जब शुद्धोपयोग की दशा में जब ध्यान की एकाग्रता ऐसी बनती है कि वो एक वस्तु पर ऐसे चिंतन को टिका देते हैं कि वो बाहरी वातावरण से, बाहरी दुनिया से उनका पूरी तरीके से कनेक्शन खत्म हो जाता है, तब जाकर के फिर उनके साथ कोई कुछ भी करता रहे उनके शरीर पर पता ही नहीं चलता, उनका शरीर सुन्न हो जाता है पूरा, जैसा कि ऑपरेशन के समय बेहोश किया जाता है या शरीर को सुन्न किया जाता है एनेस्थीसिया लगा करके, वही कंडीशन बनती है, उनका पूरे शरीर से ध्यान हट जाता है और एक जगह पर उस अदृश्य शक्ति पर, उस चेतन आत्मा पर ध्यान टिक जाता है। इस कारण से कोई शरीर को कुछ भी करता रहे उनको आभास भी नहीं होता। आप ये मत सोचिए कि वो दुख सहन कर रहे होते हैं, नहीं, वो शेरनी खा रही है उनको पता ही नहीं है कि खा रही है कि नहीं खा रही। पांचों पांडव जब ध्यान में लीन थे तो युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम को जब कंगन पहनाए गए गर्म लोहे के, तो उनको ऐसा नहीं है कि वो सहन कर रहे थे दुख को, वो तो अपने ध्यान में लीन थे, उनको पता ही नहीं था कि हमारे शरीर के साथ क्या हो रहा है। लेकिन नकुल सहदेव की ध्यान टूटा था, उनकी एकाग्रता उतनी नहीं थी, इस कारण से वो ध्यान से विचलित हो गए और फिर उन्होंने सहन किया उसको, इसलिए वो मोक्ष के नहीं जा पाए, सर्वासिद्धि में पहुंच गए, देवगति में पहुंच गए। तो ये सिचुएशन है और ये ओरिजिनल है, ये कोई कपोल कल्पना भी नहीं है, इसलिए मैं इसको डिटेल में इतना समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ये कोई कल्पना नहीं है कि ऐसा होता होगा। मैंने इसलिए नींद का उदाहरण दिया क्योंकि ये आत्मा और शरीर के साथ ये वास्तविकता में घटना घटित होती है, इसलिए इसको समझना बहुत आवश्यक है कि ये होता है। और दूसरी बात समझने की ये है कि यदि हम इसको और उदाहरण के माध्यम से समझें, तो छोटे छोटे उदाहरण से दो तीन उदाहरण और हमने सोच के रखे कि जैसे देखिए बच्चे होते हैं, उनके हाथ पैर में कहीं दर्द हो गया, ठीक है, अब उसके लिए कोई काम का बोले कि आप ये काम कर दो, वो कहते कि नहीं मुझे तो दर्द हो रहा है मैं काम नहीं करूँगा। लेकिन जब उनको कोई खेलने का काम दे दिया जाए, खेलने का मौका दे दिया जाए, तो सारा दर्द भूल जाते हैं, खेल में मग्न हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो आचार्य श्री कहते हैं कि जब व्यक्ति को किसी चीज में आनंद आने लगता है, सबसे बड़ा कारण तो यह है कि आनंद यदि आ रहा है आपको, तो आपको फिर बाहरी दुख कुछ भी आभास नहीं होंगे। जब हमें कोई मूवी अच्छी लगने लगती है तो हम भूख भूल जाते हैं, पूरे दो तीन घंटे तक हमें कोई भूख नहीं लगेगी, देखते रहेंगे। ऐसे ही बच्चे को खेलना अच्छा लगता है, उसको आनंद आता है, वो दर्द भूल जाता है। आप देखिए एक उदाहरण दिया जैसे ने
कि यदि कोई हमसे बार बार ऐसे हाथ ऊपर नीचे करने को बोले तो हमारे हाथ दर्द करने लगेंगे, लेकिन भोजन करते समय हम कितने बार हाथों को ऊपर नीचे करते हैं हमें खुद नहीं पता होता है, लेकिन ना हमें कोई दुख होता है, ना दर्द होता है, ना पीड़ा होती है कि हम कितने बार हाथ ऊपर नीचे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस समय हम रुचिकर भोजन कर रहे होते हैं और हमारा ध्यान भोजन के स्वाद पर होता है। तो ये सब होता है, ये रियल है कि जब हमें जिस चीज में आनंद आता है तो हमें बाहरी दुख से अनभिज्ञ हो जाते हैं। वैसे ही योगियों के साथ होता है कि जब वो आत्म ध्यान में लीन होते हैं और उन्हें आत्मा में आनंद आने लगता है तो उस आनंद की स्थिति में बाहरी दुखों का आभास होता नहीं है। ये प्रैक्टिकली है, कोई कल्पना वाली बात नहीं है। इसके बाद जो 49वें नंबर के श्लोक में अविद्या विद्रम ज्योति परम ज्ञान महम महत्मय कहा कि जो महान ज्ञान है, केवल अज्ञान रूपी जो ज्योति है, वह केवल अज्ञान रूपी ज्योति अविद्या रूपी अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करती है। इसलिए उस केवल ज्ञान को, उस केवल ज्ञान रूपी ज्योति के बारे में ही हमें सोचना चाहिए, पूछना चाहिए, देखना चाहिए, जानना चाहिए, उस केवल ज्ञान के बारे में जानना चाहिए। इसके लिए बहुत अच्छी बात कहते हैं आचार्य श्री, कहते हैं कि जो ज्ञान होता है या सम्यक ज्ञान होता है, वह सम्यक ज्ञान यदि हम कहें तो किसे कह सकते हैं? सम्यक ज्ञान का मतलब होता है राग द्वेष और मोह से रहित ज्ञान जो होता है वही सम्यक ज्ञान है। और इसी ज्ञान को आचार्य श्री कहते हैं कि स्वस्थ ज्ञान। बहुत अच्छी संज्ञा दी उन्होंने कि व्यक्ति के अंदर ज्ञान भी स्वस्थ होना चाहिए, तभी जाकर के उसका शरीर स्वस्थ हो सकता है। स्वस्थ ज्ञान का मतलब उन्होंने इसी को कहा कि राग द्वेष मोह से रहित जो ज्ञान है वही स्वस्थ ज्ञान है, और वही ज्ञान है जो आकुलता और व्याकुलता से रहित हो सकता है। और जिस ज्ञान में राग द्वेष मोह जुड़े हैं वो अस्वस्थ है और वो आकुलता व्याकुलता देने वाला है, और इसी कारण से व्यक्तियों को दुख का अनुभव करना पड़ता है। और जब स्वस्थ ज्ञान होगा तो शरीर भी स्वस्थ होगा, अस्वस्थ ज्ञान होगा तो शरीर भी हमेशा अस्वस्थ अस्वस्थ बना रहेगा। तो इन चीजों से भी हमें बचने का प्रयास करना है, समझने का प्रयास करना है कि अस्वस्थ ज्ञान से दूर रहें, स्वस्थ ज्ञान की ओर बढ़ें। अब यहाँ पर एक प्रश्न और होगा कि राग द्वेष मोह रहित ज्ञान कौन सा? तो फिर वही है भैया, सम्यक ज्ञान। जब सम्यक दृष्टि जीव बनेगा तो उसका ज्ञान सम्यक हो जाएगा, यदि मिथ्या दृष्टि रहेगा तो उसका ज्ञान मिथ्या कहलाएगा। ज्ञान वही होता है, बस दृष्टि का फर्क होता है, श्रद्धान का फर्क होता है। तो उस दृष्टि को बदल दें तो सृष्टि बदल जाएगी, बस इतनी सी बात है। बाकी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान क्या होता है, कैसे होता है, इसके लिए हमें श्रावकाचार का अध्ययन करना चाहिए तो हम और डिटेल में इसको समझ पाएंगे। तो आगे का जो सार रूप में कहा गया कि जीव अलग है, पुद्गल अलग है, यही तत्व का सार है, इसी को समझना है। इसलिए हमारे गुरुजी लोग कहा करते थे एक बहुत अच्छी लाइन कि जैसे एक कहावत आती है कि राम रावण दो जन्ना, राम रावण दो जन्ना, इनने उनकी नार हरी और इनने उनको मारन्ना। और बस इतनी सी बात कही और तुलसीदास जी लिख गए पुथन्ना। वैसे ही यहां पर है कि जीव अजीव दो जन्ना, बस दो ही हैं और बाकी सब इसका क्या है, विस्तार है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जीव अजीव दो जन्ना, एक में होत है चेतन्ना और एक में होत अचेतन्ना, बस इतनी सी बात कही थी और कुंद कुंद महाराज लिख गए पुथन्ना। पुथन्ना मतलब ग्रंथ, कोई इसको दूसरा शब्द अर्थ मत लीजिएगा, पुथन्ना मतलब ग्रंथ। तो जीव अजीव बस दो ही चीज है, जो व्यक्ति इन दोनों को समझ ले उसने पूरी आगम को समझ लिया, जीव और पुद्गल को समझ ले, पूरा आगम समझ में आ गया, बस यही भेद विज्ञान है, इसी को समझने की बात थी। तो चलिए ये ग्रंथ यहाँ पर समाप्त करते हैं। जो भी
हमारे द्वारा इस ग्रंथ में कहीं भी यदि त्रुटि आई हो बोलने में, कहने में, समझाने में, तो उसको सभी सुधी लोग, बुद्धिमान लोग अपनी बुद्धि से उसको परिमार्जित करके ग्रहण करेंगे। जैसा कि अंतिम श्लोक में हमारे आचार्य श्री ने भी यही कहा कि जो बुद्धिमान लोग हैं वह ऐसे स्तोपदेश ग्रंथ को अपने दुराग्रह हठाग्रह को छोड़ करके ग्रहण करें और मुक्ति रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करें। तो चलिए आज की कक्षा यहाँ समाप्त करते हैं। जय जिनेन्द्र।